ओके दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अनिल बैरागी दिव्य ज्योति स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम जो है परसेंटेज का नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। पांच लेक्चर हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने देखे नहीं हैं तो आप जाएं प्लेलिस्ट में वीडियो की और देखें और परसेंटेज सीखें। ठीक है, ऑल एग्ज़ाम कंपटीशन, कोई सी भी एग्ज़ाम, SSC हुई, रेलवे, बैंक, कोई सी भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए परसेंटेज इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, तो जाएं प्लेलिस्ट में और देखें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके वीडियो और उसका फ़ायदा उठाया जा सके। ठीक है, तो आज हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं परसेंटेज में टाइप नंबर जो है अपना 13। ठीक है, 13 नंबर का जो टाइप है वो करने वाले हैं परसेंटेज में। ठीक है, तो मैं आपको इसमें परसेंटेज में सभी तरह के सवाल मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो। जो मैंने सिखाया बस खाली उतना कर लो आप, कोई सी भी एग्ज़ाम दो फिर आप, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो करते हैं। आज अपन पहला सवाल में पढ़ रहा हूँ परसेंटेज में। आज अपन वेन डायग्राम रिलेटेड सवाल करेंगे। ठीक है, वेन डायग्राम। वेन आलेख, ठीक है, हिंदी में। तो सवाल नंबर में पहला पढ़ रहा हूँ, आप सुनना। एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में तथा 42% छात्र अंग्रेजी में सफल होते हैं, यानी पास होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पास कौन कौन से विषय में हो रहे हैं। तो 52% जो छात्र है वो हो रहे हैं हिंदी में। ठीक है, ये हिंदी, चलो मैं बस खाली इसके लिए H लिख रहा हूँ। ठीक है, हिंदी। और 42% छात्र जो है इंग्लिश में पास होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहे हो। यदि 17 यानी 17% छात्र दोनों ही विषयों में सफल होते हैं। अब देखो, दोनों ही विषयों में मिला के 17% छात्र और जो है क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। देखो, सभी पास होने वाली बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो अब पूछा क्या है अपन से, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में असफल हुए। चलो यानी कितने प्रतिशत जो है छात्र फेल हुए, ये उसने पूछा है, मतलब फेल का परसेंटेज पूछा है। तो देखो, मैं इसमें आपको ट्रिक और बेसिक दोनों बता देता हूँ। तो बेसिक देख लेते हैं अपन। बेसिक में अपन डायग्राम से मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मान लो कि ये है टोटल छात्र, यानी कुल छात्र यहाँ पे है, ये कितने प्रतिशत, तो 100% यानी 100%, 100% छात्र जो है टोटल है। अब उसमें से क्या हुआ, ये हिंदी, हिंदी में कितने पास हुए, तो आप बोलोगे कि सर 52%। फिर मैं अगर बोलूँगा कि सॉरी इंग्लिश में कितने हैं, तो 42%। ठीक है, ये इंग्लिश में पास हो रहे हैं। अब आपने बोला है कि सर 17% दोनों में हो रहे हैं, तो दोनों में ये 70% हो गए, 17%। ठीक है, यानी अपन ये कह सकते हैं कि 17 ये इसमें भी जुड़े हुए हैं और इसमें भी जुड़े हुए हैं। यदि अब मैं बात करूं ओनली इंग्लिश में पास होने वाले, ओनली इंग्लिश में पास होने वाले, तो 17 इसमें से कम कर देंगे अपन। ठीक है, यानी 42 में से 17 को घटा देंगे, तो 5 2 25 बच रहे हैं, यानी 25% जो है ओनली इसमें, तो बोलोगे आप इंग्लिश में पास होते हैं। और 52 में से अगर आप 17 माइनस कर दोगे तो 35% जो छात्र है वो ओनली हिंदी में पास होते हैं।
ठीक है, अगर अपन अब जोड़ देते हैं, देखो हिंदी में इतने पास हो रहे हैं, इंग्लिश में इतने पास हो रहे हैं, और 17% जो है दोनों में पास हो रहे हैं, यानी कुल मिलाई कितने हो गए, 35 हो गए, प्लस 17 दोनों में पास होने वाले, प्लस 25 ये किस में पास हो रहे हैं, ये पास हो रहे हैं अपने इंग्लिश में, ठीक है, सभी को मिला के। और क्या पूछा उसने कि फेल होने वाले, प्लस इसमें फेल होने वाले भी जोड़ देते हैं, फेल होने वालों को अपन एक से दर्शा देते हैं कि एक से मान लो फेल होने वाले, तो सभी मिला देते हैं तो कितने हो जाते हैं, 100% इसके बराबर रिजल्ट आ जाता है अपना, ठीक है। तो अपन इन सभी को जोड़ देते हैं, इसे इसको और इसको तीनों को जोड़ देते हैं, कितना आ जाता है, तो 25 और 35 मिल के हो जाएंगे अपने 60, और 70 60 77 यानी 77% प्लस ये एक्स बराबरी पर 100%, ठीक है, ये ऐसे कर सकते हैं अपन। इसको घटा देंगे तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 100 माइनस 77, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये आ जाएगी अपनी 23%। तो देखो ये बेसिक हो गया अपना, ठीक है, ये बेसिक से अगर आपको करना है वेन डायग्राम बना के आप बेसिक से कर लेना। पर यदि मैं बात करूँ ट्रिक की, तो ट्रिक क्या बोलती है अपनी टोटल अपनों को पता है 100% है, ठीक है, उसमें से आपको क्या करना है कि जो टोटल दे रखे, मतलब जो दे रखे हैं अपनों को 52% प्लस इसी में जोड़ देना है 42% प्लस इसी में से जो है अपन, ये जो दोनों में है तो इसको अपन को घटा देना है, इसको घटा देना है, जो दोनों में रहेगा उसको अपन घटा देना है कॉमन, इसको माइनस कर देंगे तो कितने आ जाएंगे, यानी ये हो जाएंगे अपने 100 माइनस, देखो इन दोनों को माइनस करा मैंने, ये मैंने 52 ऐसा वैसा लिख दिया, इन दोनों को माइनस करा तो ये हो गया प्लस का 25, बस इन दोनों को अपन ऐड कर देंगे और 100 में से माइनस करना है, इन दोनों को ऐड करा तो 77 और इनको माइनस कर दिया तो 23%, ठीक है, ये ट्रिक बोलती है अपनी। तो सेम है, कुछ भी आप दोनों में से जो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा, देखो बेसिक मैंने आपको अभी बता दिया है, मैं हर सवाल में बेसिक आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, तो अब मैं जो सरल रहेगा तरीका उस तरीके से मैं आपको बताता जाऊंगा हर सवाल, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, लेंथ ज़्यादा हो जाती है वीडियो की इस कारण, ठीक है। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं अपन, देखते हैं इसी टाइप का एक सवाल और करके देख लेते हैं। देखो सवाल है, परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में और 45% छात्र अंग्रेजी में फेल होते हैं, 35% हिंदी में, 45% इंग्लिश में, ये क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। अंग्रेजी में फेल होते हैं, और 20% छात्र दोनों में फेल होते हैं, जो 20% है ये दोनों में फेल हो रहे हैं, ठीक है, दोनों में फेल होते हैं। तो अब पूछा क्या है उसने अपन से पूछा उसने, तो दोनों विषयों में पास छात्र का प्रतिशत क्या होगा, चलो देख लेते हैं। देखो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ट्रिक लगाता हूँ डायरेक्ट, 100% अपने टोटल थे, ठीक है, नहीं अपन को और सॉर्ट करना है, ठीक है, नहीं और भी सॉर्ट कर देना है, अपनों को पता चल रहा कि ये दोनों में है, ठीक है, दोनों में ही है, अपनों को पता है 100% टोटल रहेंगे फेल और पास दोनों तरह के, ठीक है, उसमें से देखो 35 प्लस 45 और -20, ये 20 दोनों में है तो इसको घटा देंगे अपन, ठीक है, यही करेंगे ना, तो इनको कर देते हैं अपन सॉल्व 100%, 100 माइनस, देखो ये दोनों में घटा रहा हूँ, ठीक है, ये 35 मैंने वैसे वैसे लिख दिए, प्लस के आ जाएंगे अपने 25, ठीक है, घटाना सभी को याद ही है। अब इसको मैं माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, सॉरी ये प्लस हो रहे हैं ना, प्लस कर देंगे इनको,
तो इन दोनों को जोड़ देंगे अपन, तो कितने हो जाएंगे 60। ठीक है, 60 हो जाएंगे। अब क्या करेंगे अपन, इनको माइनस कर लेंगे तो कितने जाएंगे 40, यानी 40% अपना आ जाएगा। ठीक है, देखो अब समझना सवाल को, ये तो जो थे अपने फेल होने वाले थे। अब मैंने आपको बताया कि 100% में फेल और पास टोटल छात्र आएंगे वो तो, ठीक है। अब टोटल जो छात्र है 100%, उसमें से अगर आप फेल होने वाले को हटा देते हो तो ये जो बच रहे हैं ये क्या हो रहे हैं, ये पास, ठीक है, पास होने वाले होगा ये। तो यही अपन से पूछा था उसने कि टोटल कितने छात्र पास है। ठीक है, तो सवाल में कोई दम नहीं है, बस खाली ये आपको बस एक बार इसकी जो मेथड है वो अपने दिमाग में बिठा लेनी है। ठीक है, ये हो गया, और देखते हैं इसमें कि सवाल क्या बोल सकते हैं अपने को, क्या है। नेक्स्ट सवाल है, पढ़ रहा हूँ मैं, किसी परीक्षा में 35% छात्र विज्ञान में और 25% छात्र अंग्रेजी में। देखो 35% छात्र और 25% छात्र, ठीक है, नहीं तो कहाँ गया सवाल ये। हाँ, 35% छात्र विज्ञान में, और ये विज्ञान में साइंस लिख देता हूँ, इसे एस से दर्शा देता हूँ और इंग्लिश को मैं ई से दर्शा देता हूँ, ठीक है। और साइंस प्लस इंग्लिश दोनों में मिला के कितने, तो दोनों में मिला के उसने बोला है कि तथा 10% दोनों में ही फेल हो गए। इन दोनों को मिला के 10% ये, और ये सब क्या हो रहे हैं, ये सब मिला के हो रहे हैं फेल, ठीक है, नहीं सारे फेल के दे रखे हैं अपने को, ये फेल हो गए तो कितने प्रतिशत छात्र पास हुए। सेम सवाल सेम है वैसा का वैसा ही, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में हो रहे हैं तो अपन को ये घटा देना है। देखो फेल और पास पूरे टोटल कितने थे, 100 थे, ठीक है, परसेंट में मान रहे हैं अपन सारे, ये भी परसेंट, सारे परसेंट में चल रहे हैं, तो ये भी क्या है, 100%। अब इसमें अपने को देखना है जो साइंस में है इतने फेल हो रहे हैं, ठीक है, प्लस इंग्लिश में 25 फेल हो रहे हैं, माइनस दोनों में कितने 10% फेल हो रहे हैं। बस इसको सॉल्व कर लो आप, आपका आंसर आ जाएगा। ये 35 वैसे वैसे लिखे, प्लस के मैंने यहाँ पे कर दिए 115, ठीक है, 10 माइनस कर दिए इसमें से, और ये हो जाएंगे अपने दोनों को ऐड कर देंगे अपन तो 50, एंड इनका घटा देंगे तो भाई 50%, ठीक है, तो 50% छात्र जो है दोनों में पास हुए। तो ये सवाल है, कोई इसमें कोई भारी बात नहीं है, आपको तीन सवाल एक जैसे मिल गए हैं और अच्छे से आ गया होगा अब आपको, बेसिक चीज़ है ये, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अपन, आगे किस टाइप के सवाल आ सकते हैं, कितना लेवल बन सकता है इस टाइप के सवाल में, वो देख लेते हैं अपन। तो सवाल नंबर 4 है जो मैं पढ़ रहा हूँ, किसी स्कूल में 40% विद्यार्थी फुटबॉल, देखो 40% जो है विद्यार्थी क्या करते हैं, फुटबॉल को पसंद कर रहे हैं, ठीक है, नहीं फुटबॉल, और 50% क्रिकेट पसंद करते हैं, और ये 50% जो है ये सी यानी क्रिकेट को पसंद करते हैं, ठीक है। यदि 18% दोनों ही पसंद नहीं करे, देखो अब 18% है वो क्या कर रहे हैं कि फुटबॉल प्लस क्रिकेट दोनों को पसंद नहीं कर रहे हैं, ये पसंद कर रहे हैं और ये दोनों को पसंद नहीं कर रहे हैं, कितने, तो 18% दोनों को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों को पसंद करते, चलो देख लेते हैं। देखो जैसा कि सवाल में बताया, जो 40% फुटबॉल को पसंद कर रहे हैं, 50% क्रिकेट को, और दोनों मिला के 18% जो है पसंद नहीं कर रहे हैं वो, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसके जैसे ये दे रखा है दोनों पसंद नहीं करते, तो इनको भी नहीं में बदल लेते हैं। अब देखो अब अगर अपन बात करते हैं फुटबॉल की, यहाँ पे लिख देता हूँ ये फुटबॉल,
फुटबॉल 40% जो है पसंद कर रहे हैं, ठीक है, तो कितने परसेंट नापसंद कर रहे होंगे इसे? तो सर 60% ये इसे पसंद कर रहे हैं और 60% पसंद नहीं कर रहे हैं। वैसे ही अगर अपन इसका देखते हैं क्रिकेट का, तो क्रिकेट में देखेंगे अपन तो 50% जो है पसंद कर रहे हैं क्रिकेट को, तो कितने परसेंट पसंद नहीं कर रहे होंगे? तो 50% ही जो है पसंद नहीं कर रहे होंगे, ये पसंद करने वाले नहीं करने वाले। अब देखो ये भी नहीं करने वाला अपना एक, ये भी नहीं करने वाला और ये भी नहीं करने वाला, तो नहीं मतलब एक सेम वो बन गई इनकी, ठीक है। तो अपन वही करेंगे, टोटल तो 100% होंगे कि पसंद करने वाले और नहीं करने वाले दोनों मिला के। और इसमें पहला फुटबॉल नहीं पसंद करने वाले 60% थे, दूसरे +50% +18 सॉरी प्लस नहीं माइनस होगा यहाँ पे -18%, ठीक है। तो ये अपनी पहले वाले जो पहला सवाल अपन ने करा था वैसा बन गया, ठीक है। अब इसे अपन आसानी से हल कर सकते हैं, ये 100 इनको सॉल्व कर लेंगे अपन, ये 50 में से अपन 50 में से 18 माइनस करेंगे तो कितने जाएंगे अपने 32, ठीक है। ये यहाँ पे माइनस है, 100 माइनस इन दोनों को ऐड कर देते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 92 और इनको माइनस करेंगे तो ये हो जाएंगे अपने 08%, ठीक है नहीं, हटा देंगे इनको तो 8%, ये आंसर आ गया अपना। तो आई होप कि इसमें कोई डाउट तो आपको होगा नहीं। अपन ने जो भी पास थे उनको अपन फेल में चेंज कर लेंगे, चेंज करने के बाद ये भी फेल का है अपना, तो ये फेल और ये दोनों में फेल, तो दोनों वाला हमेशा घटता है, अपन पहले सवाल से ही करते आ रहे हैं, ये इनको घटा देंगे बस 92 है जुड़ के ये घट जाएगा तो 8% आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल में आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए वैसे तो, फिर भी आपको लगता है कि कोई डाउट है तो कमेंट्स कीजिएगा। और चलते हैं अगले सवाल पे, चौथा सवाल देखते हैं अपन। इसमें चौथे सवाल चौथा कर लिया अपन ने ना, पांचवें सवाल को देखते हैं। किसी परीक्षा में 72% छात्र विज्ञान तथा 44% ने हिंदी का चुनाव किया। 72% छात्र विज्ञान यानी साइंस लिख दिया मैंने, और हिंदी में कितने? 44%, 44% छात्र ने हिंदी का चुनाव किया, ठीक है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने हिंदी अथवा प्रत्येक विद्यार्थी ने हिंदी अथवा विज्ञान में से किसी एक विषय को लिया हो, ठीक है, प्रत्येक विद्यार्थी जो है या तो साइंस या फिर विज्ञान, ठीक है, साइंस या फिर ये हिंदी सॉरी, दोनों में से एक को तो ज़रूर लिया है प्रत्येक विद्यार्थी ने, ठीक है। 100% में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने दोनों विषय नहीं लिया हो, दोनों में से एक भी ना लिया हो, ऐसा कोई भी नहीं, ये कहने का मतलब है उसके इस लाइन का। अब उसने बोला तथा 40 विद्यार्थी ने दोनों विषय लिए हों, ठीक है, 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए हों, मतलब इसमें यहाँ पे इस बार देखो संख्या बता दी है 40 विद्यार्थी, ठीक है, यानी क्या बता दी है संख्या, 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने दोनों ही विषय लिए हैं, ठीक है, दोनों विषयों का चुनाव किया है, तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या है? अब देखो, अब अपन देखते हैं यहाँ पे, तो 72% जो छात्र है उन्होंने क्या ले लिया साइंस, और जो हिंदी है वो लिया 44% छात्र ने, ठीक है। तो अपन देखते हैं तो टोटल छात्र कितने होंगे, टोटल छात्र 100% होंगे, ठीक है, उसमें से चलो डायग्राम के थ्रू अपन इसको समझ के देख लेते हैं।
डायग्राम के थ्रू अपन पहले समझा देता हूँ मैं आपको, फिर मैं ट्रिक से ही इसे करके बताऊँगा। देखो ये 100% है टोटल छात्र जिन्होंने हिंदी या इंग्लिश या सॉरी साइंस और हिंदी, और या फिर हिंदी और साइंस दोनों लिए हों, या तो साइंस लिया होगा या फिर हिंदी लिया होगा या फिर हिंदी और साइंस दोनों लिया होगा, ठीक है। तो देखो वो उसने बोला है कि साइंस लेने वाले कितने हैं, 72%, और उसके बाद उसने बोला ये हिंदी लेने वाले क्या है, 44%। अब कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने दोनों लिया, तो अपन उसे एक्स मान सकते हैं, ठीक है, एक्स मान सकते हैं, एक्स मान के हल कर सकते हैं। अब होता क्या है कि जो ये एक्स है वो इसमें भी है और इसमें भी है शामिल, ठीक है। तो अपन इसको ऐसे कर सकते हैं, 72 माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स कर दिया, नहीं उसके बाद क्या हो गया है, केवल और केवल साइंस पसंद करने वाले। फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे ये वाला एक्स, फिर प्लस 44 माइनस ये एक्स, माइनस एक्स करने के बाद क्या हुआ, ये ओनली हिंदी पसंद करने वाले, ठीक है, ये ओनली हिंदी पसंद करने वाले, ओनली साइंस पसंद करने वाले, और ये दोनों पसंद करने वाले, ये बन जाएगा। अब टोटल को मिलाएंगे अपन तो 100% बन जाएगा ये वाला। अगर आप इस समीकरण को सॉल्व करते हो, ठीक है, इस समीकरण को सॉल्व, चलो कर ही देता हूँ मैं, ठीक है ना, कर देता हूँ, ये बेसिक है, ठीक है, बेसिक से ऐसे होएगा, इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस माइनस से तो घट गए, क्या बचा है क्या, अब यहाँ पे 72 प्लस 44 माइनस ये एक्स बराबरी पर 100, इनको अपन ऐड कर देते हैं दोनों को, तो 8 सॉरी 6 होएगा, है नहीं है, 4 और 2 6 और 7 4 11, यहाँ पे ये माइनस का एक्स बचा और ये 100, चलो पक्षांतरण कर देते हैं इसका, तो एक्स बराबरी पे देखो ये घट जाएगा, कितना आएगा, 16%, यानी एक्स की वैल्यू आ गई कितनी यहाँ पे, 16%, यानी 16% ऐसे हैं कि जिनको दोनों ही पसंद है। अब अपने को पता है ये कितने आए, 16%। अब 16% के बराबर किसका मान है, 40 का, यानी ये जो 40 है ये है अपना 16% के बराबर, अपनों को करना है इसमें टोटल, उसने छात्र पूछे यानी 100% छात्र पूछे उसने, ये बस इसको सॉल्व कर लो, 4 सी से काट दो 10 बार, ये 4 बार 4 सी से काटो 25 बार, बस इन दोनों का इंटू करा तो 250, ये आंसर है अपना, ठीक है। तो आई होप कि ये बेसिक तो समझ में आ गया होगा आपको। अब इसको अगर डायरेक्ट अपनों को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे देख लो, तरीका यही रहेगा, बस खाली इसमें अपन शॉर्ट में कर देंगे। देखो करना क्या है, अपने को पता है 100% टोटल जो है स्टूडेंट होंगे, अब उसमें से मान लो 72% ये हो गए और 44% ये हो गए। अब दोनों का तो अपनों को पता नहीं, दोनों का अपने को पता है क्या, नहीं पता है, पर होता क्या है, दोनों यहाँ पे क्या इसमें ऐड है, पहले से ही ऐड है, तो अपन इन दोनों को जोड़ के और 100 में से डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, जोड़ेंगे तो वही 116, घटाएंगे तो वही 16%, मतलब इस 16% का मान किसके बराबर, इस 40 के बराबर, यानी 40 बटे में 16 × 100% का अपने को मान ज्ञात करना, मतलब टोटल क्या है, टोटल स्टूडेंट अपन ने 100% ही माने थे, 100% का मान ज्ञात करना, इनको काटेंगे तो वही 250, ठीक है, सेम सवाल और सेम आंसर, ठीक है। तो ये हो गया अपना एक सवाल, अब अपन देखते हैं और कैसे सवाल इसमें बन सकते हैं और कितने कठिन इसमें दे सकता है एग्जामिनर। चलो पढ़ रहा हूँ मैं, एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी तथा 70% छात्र गणित में पास होते हैं, ठीक है, पास होने का बताया उसने, 60% छात्र जो है अंग्रेजी में यानी इंग्लिश, और 70% छात्र जो है गणित में, ये 70% छात्र जो है मैथ्स में, ये हो जाते हैं पास, ठीक है, ये जो दोनों हो रहे हैं ये हो रहे हैं पास। अब आगे क्या बोल रहा हूँ, किंतु 20% छात्र दोनों विषयों में असफल होते हैं। अब ये इंग्लिश और
प्लस ये मैथ्स दोनों विषयों में कितने, तो 20%। और इनका क्या हो रहा, ये हो रहे हैं फेल। ठीक है, ये फेल हो रहे हैं। यदि 2500 छात्र दोनों विषयों में सफल हुए, यानी पास होने वाले टोटल छात्र कितने हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, पास होने वाले टोटल छात्र कितने, 2500 छात्र ये पास हो रहे हैं। ठीक है, संख्या दे रखी है। सफल होते हैं तो परीक्षा में कुल छात्र कितने थे, वैसे ही सवाल, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, सेम टू सेम। देखो जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पे, देखो ये क्या पास होने वाले और ये फेल होने वाले, तो चाहो तो इसको भी फेल होने में बदल लो। ठीक है, इसको भी फेल होने में बदल देते हैं। क्या है, सबसे पहले इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश में देखते हैं अपन, तो कितने 60% जो है इसमें पास है, तो फेल कितने होंगे, 40% जो है इसमें फेल होंगे। ठीक है, एक तो आंकड़ा अपने को ये मिल गया फेल होने वाला, इसका ये 40 आ गया। ठीक है, इसी इस वैल्यू में बदल रहे हैं अपन, फेल होने वाले में बदल रहे हैं इसको। ठीक है, वैसे ये मैथ्स में है, तो मैथ्स में मान लो कितने 70% पास है, तो बचे कितने 30%। ये क्या हुआ, 100 में से घटाते हैं अपन, ठीक है नहीं, ये फेल होने वाले हो गए। ठीक है, तो ये हो गए 30% वाले जो हुए, और ये 20% है ही, बस अपने को वही लगा देना है। 100% टोटल थे, इसमें से 40% इधर और 30% इधर जो है फेल हो रहे हैं, बाकी ये बचे जो 20% माइनस करना है अपने, क्योंकि दोनों में है ये फेल होने वाले। अब क्या करेंगे, 100 माइनस इसमें से अपन क्या करेंगे, ये देखो 20 इसमें से अपन ने माइनस करा तो कितना बचा 10, और 10 इसमें जोड़ दिया तो 50, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 50, और यहाँ पे घटाएंगे अपन तो 50% आ जाएगा। यानी कहना ये चाह रहा है कि वो जो ये पास होने वाले हैं, सॉरी, हाँ पास होने वाले जो आए हैं वो कितने हैं, 50%। यानी ये जो 2500 को जो मान दिया है वो किसके बराबर है, तो इस 50% के बराबर है, इनटू में 100% का मान ज्ञात करना है, क्योंकि उसने पूछा क्या है कि टोटल कितने हैं, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, दो बार में इन दोनों का गुणा करेंगे अपन। तो देखो 2500 को दुगना करोगे तो कितने, 5000, यानी इसका आंसर कितना आएगा, 5000, 5000। ठीक है, चलो ये सवाल था, और देख लेते हैं इसमें कितना कठिन पूछा जा सकता है और कितना घुमा सकता है उस सवाल को, ये भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, ये लास्ट सवाल है। तो सवाल कुछ इस प्रकार है, एक परीक्षा में 60 छात्र हैं, तो देखो छात्रों की संख्या दे रखी है, संख्या कितनी, तो 60 ये संख्या दी है। एक परीक्षा में 60 छात्र है, 30% छात्र सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक है, 30% छात्र जो है वो क्या करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, ये उसने बोला है। आगे क्या है, और 20% छात्र हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बोलते हैं, यानी हिंदी प्लस इंग्लिश। ठीक है, ये दोनों बोलते हैं कितने, 20% छात्र, हाँ 20% छात्र दोनों बोलते हैं। अब आगे क्या बोला उसने, दोनों बोलते हैं, तो हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या, यानी ओनली हिंदी कितने बोलते हैं, ये अपन से पूछा है। ओनली हिंदी नहीं बोला है, ठीक है नहीं, इसमें ओनली हिंदी बोलता वो तो बात अलग हो जाती, हिंदी बोलने वाले, बस हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या, ओनली हिंदी नहीं है। ठीक है, इस सवाल में ध्यान देना। देखो डायग्राम देखते हैं अपन, इसका कैसा बन जाएगा। मान लो ये टोटल छात्र हो गए 60%, में ले लेते हैं अपन पहले, ये 100% हो गए। ठीक है, इसमें से 30%
जो है ये इंग्लिश में पास हो गए, ये अपन ने इंग्लिश मान लिया, ठीक है। और 20% दोनों में, दो सॉरी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं 20%, तो ये कितना आ जाएगा अपना, ये कितने बोलते होंगे। देखो अगर अपन देखेंगे यहाँ पे तो 20 और 30 कितने, 50, तो ये 50 बाकी रह गए, ठीक है। तभी तो 100 होंगे, तभी तो 100 होंगे अपने, 20 और 30 50, 50 और 50 100, ये 100% छात्र हुए कि नहीं हुए। उसने कुछ भी ऐसा नहीं बोला कि हिंदी या इंग्लिश दोनों नहीं बोलते, ऐसे कोई गूंगे छात्र नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गए, अब अपन देखेंगे तो उसने बोला है कि ओनली, ओनली नहीं सॉरी, ओनली शब्द नहीं लगाना है, हिंदी बोलने वाले। अब उसने पूछा था हिंदी बोलने वालों की संख्या बताना है। अब देखेंगे अपन, देखो 50% तो यहाँ पे ये हिंदी बोल रहे हैं, ये हिंदी बोलने वाले 50% तो ये आ गए, ठीक है। 50% तो ये हो गए हिंदी बोलने वाले, और 20% ये भी तो है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, पर हिंदी भी तो बोलते हैं, ठीक है, उसने तो पूछा है। तो 20% ये भी हो गए, तो कितने हो गए टोटल, 70%। 70% छात्र जो क्या कर रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं। टोटल छात्र संख्या है कितनी, 60। अब उसने बोला 60 में से 70%, 60 के 70% जो है हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी बोलने वालों की संख्या निकाल दो, 70% निकाल दो इसका, दो जीरो से, ये दोनों जीरो ही कट गई, इन दोनों का इंटू करेंगे, से 6 7 42, 42, ठीक है। 42 छात्र ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं, ठीक है, ये हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या आ गई। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के इस सेक्शन में बस इतना ही, और जितना मैंने पढ़ाया बस खाली आप उतना पढ़ लो, कोई सी भी एग्ज़ाम है ये मेरी गारंटी है, कोई सी भी एग्ज़ाम में इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। बस खाली संख्याएं, मतलब जो नंबर रहेंगे उससे वही चेंज होंगे, बाकी सब वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। सब सारे जो सवाल रहेंगे कॉन्सेप्ट यही रहेगा, बस खाली नंबर चेंज रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, जय हिंद।